अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, ये PAFM का टेस्ट है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है। ये तीसरा टेस्ट है, दो पहले टेस्ट है जो है वो अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर। अगर आपको नहीं मिले तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप कर लें पहले। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आपको पता है कि इंग्लिश बायोलॉजी और फिज़िक्स और इंटेलिजेंस के MCQs आते हैं, और यहाँ पे आज की वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन हम आपको शेयर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन, ये पहले दो जो है किसी हद तक जो है वो फिज़िक्स में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन है जी बी, 250 आगे 3 सिफर है, जो भी है 250,000 एक्स तक जो है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दो क्वेश्चन नंबर टू है, देर आर खाली जगह माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर, कितने माइक्रोमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर माइक्रोमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स हैव क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कौन से जो है वो प्लास्टिड जो है वो क्लोरोफिल रखते हैं और फोटोसिंथेसिस की मदद से एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर, हु डिस्क्राइब्ड सेल्स फर्स्ट, जो सेल है उसको किसने पहली मरतबा जो है वो डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट हुक, लेवन हुक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, शेडन एम्प और शिवान। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, अच्छा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है तो आपने नीचे हमें कमेंट में बता देना है, आपको जो कमेंट होगा वो आपके साथ जो है वो पिन कर देंगे, आपने कमेंट सारे जो है वो चेक कर लेने हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में हमसे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, खाली जगह रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, डिफ्यूजन, ओसमोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिक्वायर होते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर सिक्स, द खाली जगह इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, काइटिन, पेप्टिकोलाइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेलुलोज, कोलेस्ट्रोल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी सी, सेलुलोज, मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का जो है, मेजर कंपोनेंट कौन सा है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, 1 mm, 1 mm, 2 mm, 0.1 mm और 0.2 mm। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी सी, 0.1 mm इसकी ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन होती है। क्वेश्चन नंबर एट, खाली जगह इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेल मेम्ब्रेन, सैंडविच परमिएबल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डार्विन मॉडल ऑल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल मॉडल है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर नाइन, फॉर्मेशन अकर्स इन SER, SER में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन्स मतलब लिपिड, सेलुलर ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका बी, लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है SER में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर टेन, अ बैक्टेरियल सेल कंटेन्स अबाउट, बैक्टेरियल सेल कितने जो है वो होते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11, इन प्लांट्स खाली जगह कंडक्ट फूड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम जो है इसी पर टेस्ट पर अपलोड करेंगे, FMA के और भी टेस्ट अपलोड करेंगे, और इंग्लिश के MCQs, इंटेलिजेंस के MCQs, उसके अलावा फिजिक्स के MCQs, इंग्लिश के क्योंकि 50 MCQs आते हैं तो इसलिए हम इस उसके भी अपलोड करेंगे, और बायोलॉजी के 25, फिजिक्स के 25 आते हैं, तो इस तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड इंशाल्लाह करेंगे। तो इसलिए चैनल ज़रूर हमारा सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन प्लांट्स खाली जगह कंडक्ट फूड, फूड को कौन सी चीज़ कंडक्ट करती है प्लांट्स में? जाइलम, फ्लोएम, बोथ, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, फ्लोएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक, या बोथ, या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, यूकेरियोटिक सेल्स। 13 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट सेल्स। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज जो है वो डिफरेंट है एनिमल और प्लांट सेल्स में, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी डी, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमाटिन्स आर कंडेंस्ड ड्यूरिंग, क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं ड्यूरिंग किसके, ड्यूरिंग एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, प्रोफेज के दौरान क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फेल्योर ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग म्यूसिस इज, फेल्योर ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी फेल्योर जो है किसकी होती है, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, बोथ ए एंड बी, और नन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी पी, नॉन डिसजंक्शन की जो है फेल्योर होती है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट देयर म्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉसिंग अकर्स ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर जो होती है, क्रॉसिंग अकर्स ड्यूरिंग मतलब क्रॉसिंग किसके दौरान होती है उनकी जो होती है क्रोमोसोम जो होते हैं, म्यूसिस के दौरान, माइटोसिस, म्यूसिस टू, नन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, म्यूसिस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड कैंसरियोज, कैंसरियस सेल्स, कैंसरियस सेल्स, मेलिगेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, मेलिगेंट ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 18, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या है, डिवीजन ऑफ सेल्स, सुइसाइड ऑफ सेल्स, सेल डेथ बाई टिश्यू डैमेज, वीकनेस ऑफ सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी सी, सेल डेथ बाई टिश्यू डैमेज, सेल डेथ जो होती है टिश्यू डैमेज के जरिए से उसको नेक्रोसिस कहते हैं, और जो सुइसाइड होती है इसकी सेल्स की तो उसको एपोप्टोसिस आई थिंक कहते हैं। तो ये आपने देख लेते हैं लेना है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 19, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, बाइनरी फिशन, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लांट्स लैक, प्लांट्स में किस चीज़ की कमी होती है, प्रोटीन, सेंट्रियोल, स्पाइनल फाइबर, साइटोकाइनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, सेंट्रियोल्स की कमी होती है प्लांट्स में, बाकी चीज़ों की इससे ज़्यादा जो है वो कमी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज मटेरियल इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है नीचे में से, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी डी, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी 22, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोकाइनोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन इन अ सेल वेयर खाली जगह आर सिंथेसाइज्ड, प्लस पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका सी, लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया किससे बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से, डबल, ट्रिपल, ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी बी, डबल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इज खाली जगह इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस होता है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्केलेटन फाउंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, आउटसाइड द बॉडी जो स्केलेटन होता है उसे क्या कहते हैं, एंडो, एक्सो, हेड्रो, या फाइब्रोस्केलेटन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी बी, एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मसल्स कैन ऑनली, मसल्स क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, पुश, एक्सपेंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मसल्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आउटर हार्ड लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड, आउटर हार्ड लेयर
बोन जो है वो क्या कहलाती है, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी, कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ए, कंपैक्ट बोन जो है वो बार वाली जो है लेयर होती है, जो बोन की होती है आउटर हार्ड लेयर जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 9, खाली जगह इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की, थाई, वर्टेब्री, एंकल, नी कैप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी ए, बी वर्टेब्री की जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है इन आवर बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल, खाली जगह हार्मोन इज लेस प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो स्टॉप हो जाता है जब फीमेल में, तो कौन सा हार्मोन जो है वो कम पैदा होता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, एस्ट्रोजन का हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इट इज़ नॉट डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का कौन सा डिसऑर्डर नहीं है, अर्थराइटस, ऑस्टियोपोरोसिस, टैटनी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी बी, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज ऑफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, 120, 122, 124, 126। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी डी, 126 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स, वर्टेब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को, स्पाइनल कार्ड को, ब्रेन को, लंग्स को। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी बी, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बोन्स इन स्कल आर, बोन स्कल में बोन कितनी होती है, 22, 23, 24, 25। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका ए, 22 बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एन एग्जांपल ऑफ हार्डेस्ट कनेक्शन टिश्यू इन द बॉडी इज कार्टिलेज, बोन, ब्लड, फैट्स। तो एग्जांपल मतलब हार्डेस्ट कनेक्शन टिश्यू इन द बॉडी कौन सी है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, फैट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एन अडल्ट पर्सन स्केलेटन हैज बोन्स, एक अडल्ट पर्सन का जो स्केलेटन होता है उसकी कितनी बोन्स होती हैं, 406, 306, 206, 106। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका बी, 306 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 36-80 होता है जो बच्चों में होती हैं वो 306 होती हैं, और अडल्ट पर्सन में हमारे पास 206 होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल कौन सी है, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जॉइंट ऑफ एंकल, जॉइंट ऑफ फिंगर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी बी, शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, खाली जगह इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी में कौन सी है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, वर्टेब्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स और कॉर्ड, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड जो स्टेम है विद स्केल लीव्स वो क्या कहलाती है, स्टेम, ट्यूबर्स, राइजोम्स, कॉम्स, बल्ब्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, राइजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द होल ऑफ कार्पल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड, कौन सा, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका डी, गाइनोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 41, ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वॉल कॉल्ड, क्या कहलाता है, ईच स्पोर जो हर स्पोर जो थिक वॉल से कवर हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन, सेमी परवियल मेम्ब्रेन, फ्रेगमेंट, सिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका डी, सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट द फ्रूट डिवेलप्स, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट क्या डिवेलप करता है, वॉल ऑफ ओव्यूल, पेटल्स, वॉल ऑफ ओवरी, एंथर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका जी सी, वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी के ऊपर वॉल जो है प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मेथड यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन में जो मेथड यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, स्पोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, ग्राफ्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इतने आपको पता ही है जो गन्ने लगाए जाते हैं, जिस तरह से इतने इतने टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसकी आंखें जो है रखी जाती हैं ताकि वहाँ से जो है वो नया जो है एक गन्ना बन सके, तो वो लगा देते हैं खेलियों पे। तो इस तरह से
वो बन जाता है, ये ग्राफ्टिंग का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बाइनरी फिशन, सॉरी बाइनरी फिशन इज सीन इन, बाइनरी फिशन किस में देखा जाता है, येस्ट में, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, कॉर्पोरल्स में, कोरल्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, प्लेनेरिया में जो है वो हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, रिप्रोडक्शन मेथड इन राइजोपस, राइजोपस में रिप्रोडक्शन मेथड जो है वो कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी सी, स्पोर फॉर्मेशन का जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जिंजर प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूसेस बाई, जिंजर जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, बल्ब से, कॉर्न से, राइजोम से, स्टेम ट्यूबर से। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी इसका सी, राइजोम से जो है जिंजर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सीड इज फॉर्म्ड फॉर्म, सीड किस फॉर्म में होता है, ओवरी में, ओव्यूल में, रेडिकल में और प्लूम्यूल में। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी, ओव्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एवरी राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड, जो राइपन्ड ओव्यूल होती है हर जो है वो क्या कहलाती है, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, सीड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट से जो एक मतलब एक पत्ता लिया या एक शाख ले ली उससे एक नया पौधा हमें बनाना है तो उस तरीके को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी डी, टिश्यू कल्चर इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, वेजिटेशन प्रोपेगेशन इन मिंट टेक्स प्लेस बाई, जो पुदीना होता है उसमें जो वेजिटेशन प्रोपेगेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, राइजोम के ज़रिए, काम्स के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए, सकर्स के ज़रिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी इसका डी, सकर्स के ज़रिए जो है वो वेजिटेशन प्रोपेगेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द एग ऑफ द हनी बी रिमेन अनफर्टिलाइज एंड डिवेलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल्स बाय बडिंग, पार्थिनोकार्पी, रिजनरेशन, पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये 51 MCQ मैंने बनाए थे इसके बायोलॉजी के, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए टेस्ट में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।